कितने कलरफुल है सबसे बड़ी ये जो नेचुरल फ्री एंड करते हैं ये सारा पूरा मोटा बोल रहा है मोटा बोल सबसे डिफिकल्ट मोटा कलर होते हैं Thank you.
नमस्कार। राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित इस कला शिविर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं स्वागत करता हूं आज इस समारोह की मुख्य अतिथि तनु जी का, हमारे प्रिय बल्कि माउंट आबू के रक्षक किसी न किसी रूप में डॉक्टर अरुण जी अकादमी के सचिव डॉक्टर रजनीश जी, जब जयपुर से बाहर जाकर कोई शिविर करते हैं और वहां के लोगों से कलाकार रूबरू होते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो आनंद की अनुभूति सभी कलाकारों को होती है और वो सब वो हमें भी हुई। मैं माउंट आबू के सभी प्रबुद्ध नागरिक जिन्होंने हमारा स्वागत किया प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैं सर्वप्रथम राजकुमार जी से अनुरोध करता हूं कि वो आए और हमारे मुख्य अतिथि को, रजनी जी हमारे मुख्य अतिथि को, ये इसको पुष्पांजलि समझे अभी, क्योंकि समय ऐसा था बाहर जाकर अरुण जी सचिव महोदय से आग्रह, अरुण जी को माल्यार्पण कर इस शिविर के जन्मदाता का उम्र तो आज से करीब 15 वर्ष पूर्व अरुण जी के माध्यम से हुआ था, जब इन्होंने आग्रह किया था कि कुछ कला गतिविधियां हमारे आपों में भी करें, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य इतना भरा हुआ है, निश्चित रूप से कलाकारों को कुछ दृष्टि मिलेगी, कुछ विचार मिलेंगे। इसी उद्देश्य से 2005 में या 8 में 2008 में पहला कला शिविर हमने माउंट आबू में किया। सभी कलाकार प्रसन्न थे, हमारी इच्छा रही कि हम बार बार माउंट आबू आए और यहाँ शिविर या चित्रकारों को कुछ नया देखने का मौका दे। निरंतर यह प्रयास हमारा चलता रहेगा आप सभी लोगों के सहयोग से। मैंने किस तरह का अनुभव किया हमारे कलाकार मित्रों ने, किस रूप में माउंट आबू को देखा, मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं कमलेश गांधी जी को आए और अपने अनुभव से अवगत कराए। शुक्रिया विजय जी। माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर साहब, डिग्निटरीज आफ्टर लाइफ, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्यारे बच्चों, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। मैं बहुत प्राउड से बोलता था कि जम्मू कश्मीर में जो मेहमान वाली है वो नंबर एक है, लेकिन जहाँ पे आके वो गलत साबित हुआ। मैंने हम लोग पूरी नेशनली इंटरनेशनली इवेंट में जाते रहते हैं, बहुत खूबसूरत जगह देखी, बड़ी इच्छा थी माउंट आबू जाए, क्योंकि मैं पहाड़ों में रहता हूँ जम्मू कश्मीर में, तो वो सब दुनिया उसकी कायल है जम्मू कश्मीर में आने को, एक सपना होता है उनका कि जन्नत में जाए, लेकिन वो भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि एकदम सीरियस पे है और हर दिन हर घंटे के बाद मौसम चेंज हो जाता है, कोई जगह छोड़ी नहीं है बिना बिने डॉक्टर साहब की मेहरबानी से, हर पल हमने डर किया सुबह से लेकर शाम तक, तो मेरे ख्याल में वो कहते हैं कि गागर सागर भर गया, तो वो ऐसा ही हो गया कि हम वो एक ही इवेंट में सारा हमने वो माउंट आबू
अपने अपने दिल में संभाल लिया। तो मैं हमें बहुत एंजॉय किया और बहुत खूबसूरत काम भी किया सब आर्टिस्टों ने, और खासकर हमारे डैक साहब की इनसे मिलने का मौका मिला, बहुत बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली। तो मैं समझता हूँ ये बहुत सुंदर एक इवेंट है, और जो कलाकार इस पार्टी यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं थे उन्होंने भी यहाँ पे देखा, इंस्पायर हुए। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द ऑर्गेनाइजर एंड बाउंड आउट पीपल, थैंक यू सो मच। अब मैं डॉक्टर मुकेश जी को आगे करता हूँ, आए अपने अनुभव। सम्माननीय मैडम जी, डॉक्टर अनुभव, सेक्रेटरी साहब, माननीय जी, बहुत टॉपों के लोगों, बच्चों और मेरे साथियों, मुझे माउंट आबू के बारे में यहाँ जो कैंप हुआ उसको लेकर कुछ बातें करने का मन है। पहली बात, हम आबू में आए हैं तो आबू का जो दृश्य है, यहाँ के पहाड़, यहाँ की हवा, पेड़, आसमान, ऊंचाइयाँ और बहुत गहराइयाँ, ये जो एक पूरी एक रिदम है, और इस रिदम को हम सभी कलाकारों ने अपने अपने ढंग से आपके साथ किया है। हमारे पेंटिंग में माउंट आबू आपको मिले या न मिले, लेकिन माउंट आबू की जो इनर रिदम है, उसकी जो स्पिरिट है, जिससे हम लोगों के मन को बहुत गहरे तक प्रभावित किया है, उसका एक रिफ्लेक्शन हम सभी कलाकारों की पेंटिंग में देखने को आपको मिलेगा। असल में जो कलाकार होते हैं वो दृश्य को देखते जरूर हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो देख रहे हैं उसी को चित्रित करें। सभी कलाकारों के पास उनकी अपनी एक क्रिएटिव प्रोसेस लगातार चलती रहती है, एक रचना प्रक्रिया उनके मन में हमेशा लगातार चलती रहती है। तो किसी भी नई जगह को देखकर उसी क्रिएटिव प्रोसेस में कुछ एड ऑन होता है, जरूर होता है। तो कलाकार जब भी कुछ काम करेगा तो उसका वो क्रिएटिव प्रोसेस क्रिएटिव इंपल्स बनकर बाहर एक्सप्रेस हो जाता है। तो आप जो लोग यहां बैठे हुए हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी पेंटिंग में मतलब को मत खोजिए। पेंटिंग में मीनिंग क्या है, उसमें क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसा उसका मतलब निकालने की कोशिश मत करिए। जैसे एक बांसुरी बजती हो या एक तबला बजता हो और कोई पूछे कि इस बांसुरी के बजने का मतलब क्या है, या इस तबले का मतलब क्या है, इस ताल का मतलब क्या है, तो उसका मतलब बताया नहीं जा सकता। चित्र का मतलब भी बताया नहीं जा सकता, बस उसकी एक संवेदना है, एक सुखद संवेदना है, उसे देखना हमें आना चाहिए, लेकिन प्रश्न पहले जो दिमाग में खड़ा हो जाता है, इसलिए हम चित्र का जो सौंदर्य है, उसके रंगों का जो सौंदर्य है, उसके आकारों का सौंदर्य है, उसको लेने से हम लोग वंचित रह जाते हैं। तो ये एक मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से कि चित्र को इस तरह से देखा जाए कि उसके हम संवेदना को महसूस कर सकें, बजाय कि हम उसके मतलब में जाएं। यह माउंट आबू में आने के बाद हम लोगों को जिस सत्कार के साथ हमें यहाँ पर ये 7 दिन रखे गए, सभी लोगों ने जितना प्यार दिया, आरटीडीसी के पूरे स्टाफ ने, यहाँ के माउंट आबू के प्रशासन ने जिस तरह का हमको सपोर्ट दिया है, ये हमारे लिए बहुत ही
गर्व का विषय, हम लोग बड़ा प्राइड फील कर रहे हैं और हम बहुत ही उनके एहसान मंद हैं कि उन्होंने, आभारी हैं हम लोग कि उन्होंने हमारे लिए इतना सुंदर व्यवस्थाएं करके रखें और हमें किसी भी तरह की कोई भी असुविधा कहीं की नहीं होनी थी, जिसके लिए हम सभी कलाकारों कलाकारों की ओर से मैं आप माउंट आबू के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत धन्यवाद गांधी जी और लोकेश जी, निश्चित रूप से हम लोगों को भी आपका सानिध्य बहुत अच्छा लगा। विगत छह दिनों में काफी कुछ सीखा, एक दूसरे से एक दूसरे की दृष्टि का पता लगा, विचारों का पता लगा। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे इस शिविर के जन्मदाता या प्रणेता कहें या जिनकी प्रेरणा से हमने यहाँ ये शिविर आरंभ किया, अरुण जी। प्रणाम तनु जी, प्रहार मेरे मित्र सिंह साहब, इतने व्यस्त होने के बावजूद भी हर जगह एक ही चर्चा चल रही है कि माउंट आबू से उतरेंगे कैसे, उसमें जद्दोजहद कर रहे थे, फिर भी इन्होंने समय निकालकर यहाँ आए। विनय जी, आबूवासियों, सारे मेरे अभिन्न कलाकार, मेरे प्रिय आदमी हैं, यहाँ का पूरा कर्मचारियों का एक पूरे का पूरा सेना यहाँ, हमारे वीडियोग्राफर जिनके बिना यहाँ पे आवाज़ जाएगी, नमः जी हूँ, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए, आपने इतने अद्भुत चित्र बनाए। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, लोकेश जी ने, कला को देखना चाहिए, उन रंगों का आनंद लेना चाहिए, उस आनंद को उसमें घुसकर उसकी नुक्ता चुनी करके उस आनंद को कम नहीं करना चाहिए। ठीक वैसे ही एक बहरे को आइंस्टीन एक कॉन्फ्रेंस में ले गए सिंफनी में, वो पूछता रहा क्योंकि उसको सुनाई तो पड़ता नहीं था, और आइंस्टीन को, और जब समाप्त हो गया तो बोला कि ऐसा लगा, वो बोला बहुत सुंदर, आनंद आया, क्यों, उस सबको देख रहा था, डूबा हुआ, हर व्यक्ति उस सिंफनी में डूबा हुआ था। इसी तरह से जो कलों का, जो रंगों का सामंजस्य होता है, वो एक अद्भुत चीज है। आज देखिए यहाँ पे कितने लोग हैं, मैडम का हृदय तो बहुत कोमल है, खुद ही कलाकार है और सब कलाकार हैं, किंतु देखिए जो प्रशासन चलाते हैं दिन रात आपके लिए 24 घंटे, मैं तो बोलता हूँ धरती पे अगर ईश्वर है, डॉक्टर नहीं, पुलिस है। आप आपके 2 बजे जाइए, गश्त लगाते देखेंगे, गर्मी में देखिए, बरसात में देखिए, रेगिस्तान में देखिए, सब जगह देखिए, ये आपको दिखेंगे। तो ये है, और आज जब कला के उसमें आए हैं, अपना समय निकाल कर, ये बेहद व्यस्त है इस समय मैं, आप लोग जब जाएंगे आप लोग, और जब बेचैन होंगे ट्रेन पकड़ने के, तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये आदमी क्या काम कर रहा है। और विशेष रूप से मुझे एसडीएम साहब ने कहा था इनको आमंत्रित करने के लिए और इनसे आप सबको मिलाने के लिए कि आपको सबको समय बता सकें, फिर ये इनका आपके बीच का संबंध है। कला यहाँ से मैं पूरे विश्व को, पूरे भारत को, पूरे राजस्थान को, इनके द्वारा मैं अपनी प्रार्थना, अपनी गुजारिश, अपनी रिक्वेस्ट मैं बार बार पहुँचाना चाहूँगा प्रशासन को, सरकार को, मंत्री महोदय जी को, आप सबकी जो बात है, आपने एक स्वर में कहा है कि माउंट आबू सुंदर है, माउंट आबू अद्वितीय है, आपने इसका जो संतुलन बताया है, इसकी गहराइयों का, इसकी ऊंचाई का, इसके वन्य जीव का, इसके वनस्पति का, इसके बदलते मौसम का, क्योंकि यहाँ का मौसम, मैं अंग्रेजी में सबसे कहता हूँ, फॉर ऑल रीजन एंड ऑल फॉर सीजन माउंट आबू इज अनपैरल, नॉट बिकॉज आई स्टे हियर, नो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज आई हैव फाउंड दिस थ्रू माई एक्सपीरियंस। मैं सबसे कहता हूँ मेरे ज्ञान का सम्मान मत करो, ज्ञान तो गूगल से 2 दिन में मिल जाएगा, मेरे अनुभव का सम्मान करो। मैंने आत्मसात किया है, मैंने अनुभव किया है इस अद्वितीय तरंगों को, इस अद्वितीय दृश्य को, इस अद्वितीय आध्यात्म को। तो आप सब लोगों को एक बार फिर मेरी प्रार्थना के साथ
कि आप लोग निजी रूप से भी आते रहिए, दल बल भी आते रहिए। आप सब लोग जो हमारी कलाकार आई हैं, जिनके इतने सुंदर जो चित्र है, उससे सुंदर वो लोग हैं, बेहद सुंदर लोग हैं ये लोग। कमलेश जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, वर्मा जी हैं, सब लोग हैं जिनके नाम नहीं ले रहा हूँ वो भी हैं, और जिनके नाम ले रहा हूँ वो भी हैं। आप सबको नमन, आप सबको साधुवाद कि आप लोग आए, किंतु मेरी प्रार्थना आप दिल्ली से लेकर जयपुर तक पहुँचाइए कि माउंट आबू को अब अधिकार मिल गया है कि माउंट आबू के लिए साल में दो बार विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट के संगम हो। क्योंकि एक संगम की जो बहन है, अगर आप लोग जानते हैं, संगम की जो एक बहन है, तीन भगनी है प्रयागराज में, दो का आप नाम जानते हैं, तीसरा मैं बताऊंगा, क्योंकि उसकी उसका उद्गम माउंट आबू से होता है, सरस्वती का। ये भी एक आग्रह रहता है उस सरस्वती के नाम से, सरस्वती के आशीर्वाद से, सरस्वती के आग्रह से आप लोग आते रहिए। और इसी तरह से माउंट आबू को, हमारी प्रार्थना को और कला की जगत को गौरवान्वित करते रहिए और पूरे विश्व को दिखाते रहिए कि हमारी जो अमृत महोत्सव है वहाँ अमृत बरस रहा है। आप सबको बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आते रास्ता भी अभी वो है, तो मैं उनसे रोक देता हूँ, आप आशीर्वाद। थैंक यू मुरली जी। सबसे पहले मैं डॉक्टर अरुण शर्मा जी का सबसे ज्यादा अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि यही ऐसी चीज है जो एक एक चीज को खोज के लाते हैं। नेचर हो, रंग हो, कविता हो या संगीत हो, तो इनके माध्यम से हमेशा घूमता रहता है, बिखरता रहता है। तो मैं अभिनंदन करती हूँ और आप सभी कलाकारों का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आपके इतने सुंदर चित्र मैंने देखे हैं, अमेजिंग। हम इतने दिनों से यहाँ रह रहे हैं लेकिन हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया जो आपने इन रंगों में उकेर दिया है, तो अमेजिंग। एक ही शब्द है मेरे पास, लाजवाब। तो आप सबकी जितनी भी पेंटिंग्स हैं, जितने भी रंग आपने डाले हैं, जितने भी अपने थॉट्स डाले हैं, कल्पना से परे हैं, क्योंकि कल्पना किसी एक ही होती है, देखने वालों की आंखें बहुत होती हैं, तो आपकी कल्पना बहुत सुंदर है और किसका क्या कहें, सबका बहुत सुंदर है। वही उसको खोजने की बात, जानने की बात, लेकिन जब तक हम जानेंगे नहीं कि आपके माइंड से क्या निकल के आया है, तब तक हम लोगों को नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो आपकी अमेजिंग है, आपके दिमाग का थॉट्स है और आपने उससे उकेरा है। और जब हम उसको देखते हैं, हम जानते हैं, पहचानते हैं, तब हमें लगता है अच्छा ये चीज है, ये हो सकती है, फिर उसको देखने का अलग ही एक आनंद आता है। अब हम दोबारा फिर देखेंगे तो वो एक अलग ही आनंद आएगा। नुक्ताचीनी नहीं की गई, सिर्फ पूछा गया है जानकारी के लिए। अगर आपको उससे थोड़ा सा भी कुछ हुआ है तो हम सब अपनी तरफ से आपसे माफी मांगते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और बिना जी छुपे रिश्तों मिले बिल्कुल, ये सिर्फ संचालन ही नहीं कर रहे हैं, एक्टिंग ही नहीं कर रहे हैं, ये तो एक बहुत अच्छे चित्रकार भी हैं, तो मैं इनके लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी। रजनीश जी ललित कला अकेडमी के सचिव हैं और इन दोनों ने मिलकर, इन्होंने भी, इनकी सारी टीम ने मिलकर ये आज हम जो देख रहे हैं, इनकी बदौलत देख रहे हैं। अगर ये सब इतना नहीं कर पाते तो हम नहीं देख पाते। लेकिन मुझे थोड़ा सा मैं निराश हूँ कि यहाँ के लोगों को शायद पता नहीं चला है या इतनी उनकी जिज्ञासा नहीं है या उनको इतना आनंद नहीं आता है, लोग कम आए हैं। सबको बताया, लेकिन नहीं आए, कोई बात नहीं, आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम किया है। और अरुण जी तो यहाँ पे चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि आप क्या यहाँ खोज पाते हैं, क्या देख पाते हैं, तो मैं तो उत्तर नहीं दे सकती, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे रमे हुए हैं कि समझ नहीं आता आप उनके अंदर है या आपके अंदर है। किसी व्यक्ति में इतनी सारी विशेषताएं होना जितनी अरुण जी में है मानना पड़ेगा। ईश्वर ने को बहुत विशेषताएं दी हैं और ये इसके लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। आपकी सारी जो प्रकृति है, जो इतनी सुंदर है, वसुंधरा है आपकी,
उसको बचाने के लिए। देखिए कितना अच्छा मौसम है, बहुत भाग्यशाली है, कभी आप फोग देख रहे हैं, कभी आप रिमझिम बारिश देख रहे हैं, कभी तेज बारिश देख रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब मैं छोटी थी मेरे घर में पतनाला जो शब्द खो गया है कहीं, आज की ड्रेन बोलते हैं उसको, तो मेरे समय में बहुत गिरते थे पतनाले, लोग इतने विकसित नहीं थे भाई कि एक नया शब्द दे, एक नया नाम दे, तो उसके बहुत जोर से आवाज आती थी। और जब बारिश होती थी तो ऐसा लगता था जैसे सारे संसार का शोर कहीं खो गया है, बस एक एक लय, एक धुन, एक ताल बारिश में। हमेशा आप कभी सुनिएगा, बहुत सुंदर उसकी धुन होती है, ताल होती है, और उसके ऊपर से जो पतनाला गिरता है ना, वो संगीत मुझे आज तक कहीं नहीं मिला, किसी वाद्य में नहीं है, किसी अंग में नहीं है। तो मैं भी पेंटिंग करती हूँ पर मुझे ऐसी इमेजिनरी नहीं आती, देख के हाँ मैं नकल मार देती हूँ अलग बात है आप जैसे कलाकारों की। और मैं चाहती हूँ आप और अच्छा करें, आपका नाम हो और कुछ और अच्छा निकाल के लाए घूमने के लिए देखें, क्योंकि जितना घूमने से प्रैक्टिकल चीजों को जाना जाता है, थ्योरी से कभी नहीं जाना जाता। एक बंद कमरे में बैठ के आप कुछ नहीं सीख सकते, नेचर के पास जाके आपको सीखने को मिलता है, और नेचर के पास सीखने के लिए इतना है कि सीखते रहो आपकी उम्र छोटी पड़ जाएगी। मैं एक बार फिर सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, आप सब जितने भी यहाँ बैठे हैं, भाई बहन, हमारे कलाकार भाई और अरुण जी, मैं सबका तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं मीडिया देख वाले भैया लोगों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत आपका, आपके बिना नाम पता ही नहीं चल सकता ना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद मैडम। मैं सचिव महोदय से अनुरोध करता हूँ, कृपया आप वो माउंट आबू के रक्षक यहाँ के सीए साहब को मैदान पर उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सचिव महोदय से आग्रह करता हूँ धन्यवाद ज्ञापन के लिए, उनकी अनुमति से मैं पुनः सभी कलाकारों का जिन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया, अकादमी के आग्रह को स्वीकार किया और यहाँ आए, आपको यदि कष्ट हुआ हो तो हम क्षमा चाहते हैं, भविष्य में हम प्रयास करेंगे आपको और अधिक सुविधा के साथ जहाँ भी लखनऊ वहाँ रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सभी जो यहाँ पधारे हैं, यहाँ के गणमान्य, आपका भी बहुत बहुत आभार, हमारे निवेदन को आपने स्वीकारा, निश्चित रूप से आपकी दृष्टि में बदलाव होगा।